सत श्री अकाल, मैं हां पराग सिंह, तुसीं देख रहे हो प्रवासी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दीआं मुख खबरां दे नाल। जत्थेदार टोड़ा दा दोता भाजपा च शामिल, अरविंद खन्ना ते गुरदीप सिंह गोशा भी गए भाजपा च। जमानत तो बाद मजीठिया ने चंडीगढ़ च कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे खिलाफ कार्रवाई लई 4 DGP बदले। नवजोत सिद्धू ने पंजाब मॉडल किया पेश, कहा यह मेरा भविख समझौता नहीं करांगा। योगी का मंत्री स्वामी समाजवादी पार्टी च शामिल, स्वामी मौर्या के समर्थन च 3 होर भाजपा विधायकों का अस्तीफा। हुण खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब विच आउंदी 14 फरवरी नूं विधानसभा लई वोटां पैणियां हन अते इस नूं लै के दल बदलियां दा काम भी जोरां उत्ते चल रहा है। इस दे चलदिआं साबका कांग्रसी विधायक अरविंद खन्ना अते लुधियाणा तों श्रोमणी अकाली दल दे आगू गुरदीप सिंह गोछा भी अज नवीं दिल्ली विखे भाजपा विच शामिल हो गए। इस दौरान जथेदार गुरचरण सिंह टौरा मेमोरियल ट्रस्ट के प्रधान कमर सिंह अते अमृतसर के साबका कौंसलर धर्मवीर सरीन भी भाजपा विच शामिल हो गए ने। भाजपा के पंजाब तो चोन इंचार्ज गजिंदर सिंह शेखावत ने इन सारे आगुआ का पार्टी विच स्वागत किया। इस मौके गजिंदर सिंह ने कहा कि फिरोजपुर विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सब तो वड्डी रैली होनी सी। उन्होंने कहा कि इस रैली नूं सियासी व्यक्तियों ने पुलिस नाल मिल के असफल बनाया। दसिया जा रहा है कि जेड़े आगू अज भाजपा विच शामिल होए ने, इन्हां ने लंघी 5 जनवरी नूं फिरोजपुर विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दौरान भाजपा विच शामिल होना सी, पर इस रैली वाले स्थान उत्ते खाली कुर्सियां की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री वापस मुड़ गए सन। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन और सरकार की मिली भगत से जिस तरह से उन सबको रोका, न केवल कार्यकर्ताओं को आने से रोका, अब तो प्रधानमंत्री जी को भी उस कार्यक्रम में जाने से रोका गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शहीदों को नमन करने के लिए मन में पवित्र भाव लेकर के हुसैनीवाला साहब जाने वाले थे, वहां जाने से भी उनसे रोका गया। ड्रग मामले विच केस दर्ज होने तो बाद रूह पोश होए अकाली आगू बिक्रम मजीठिया नूं लंघे कल जमानत मिल गई सी अते अज मजीठिया ने पंचकूला विखे गुरद्वारा नाडा साहब विखे मत्था टेकिया। इस मौके मजीठिया नाल उन्हां दे वकील अते अकाली दल दे समर्थक भी हाजिर रहे। त्यां रहि के बिक्रम मजीठिया खिलाफ ड्रग मामले नूं लै के लंघी 20 दसंबर नूं केस दर्ज किया गया सी अते पुलिस वल्लों मजीठिया नूं गिरफ़्तार करन लई छापे भी मारे जा रहे सन, पर मजीठिया रूह पोश हो गए सन। जिक्रयोग है कि ड्रग मामले विच घिरे अकाली आगू बिक्रम मजीठिया नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत कुछ शर्तां तहत दित्ती है। इस विच कहा गया है कि मजीठिया देश छड के बाहर नहीं जा सकते, उन्हां दा मोबाइल फोन भी हर समय ऑन रहना चाहीदा है। उन्हां नूं व्हाट्सएप दे जरिए जांच एजेंसी नूं अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होएगी। ध्यान रहे कि मोहाली अदालत ने मजीठिया की जमानत की अर्जी खारिज कर दिती सी अते हुण हाई कोर्ट ने मजीठिया नूं जमानत दे के वड्डी राहत दिती है। मामले की अगली सुनवाई हुण 18 जनवरी नूं होएगी। ड्रग मामले विच पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट तों जमानत मिलण तों बाद अकाली आगू बिक्रम मजीठिया पहली बार मीडिया दे सामने आए। चंडीगढ़ विच मीडिया नाल गलबात करदिआं मजीठिया ने कहा कि उन्हां नूं जमानत मिलण तों बाद नवजोत सिद्धू दा फ्यूज उड़ गया है। मजीठिया ने कहा कि वह सिद्धू खिलाफ भी चोण लड़न लई तैयार हन। मजीठिया ने कहा कि उन्हां खिलाफ साजिश रची गई सी अते उन्हां खिलाफ कार्रवाई लई पंजाब विच 4 DGP बदले गए। मजीठिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्होंने झूठे मामले विच फसाउण लई साजिश रची है। इत्थों तक कि सरकार वलों पुलिस अफसरां नूं करोड़ां रुपए की आफर भी की गई सी। अकाली आगू मजीठिया ने कहा कि अगाऊ जमानत सब का अधिकार है अते इसलिए वह अदालत पहुंचे अते उन्हां नूं राहत मिली है। हर तरीके की शरारत, कानून नूं हर तरीके नाल छिके ते टंग के लोकां नूं किवें पहला डराया गया, धमकाया गया, जो कर सकदे सी, और तो आपां वेख्या ही है, शायद पहली बारी होया कि 3 महीनिआं च 4 DGPs, इट्स अनहर्ड ऑफ। मतलब अज तक पंजाब दी पॉलिटिक्स च कि किसे सूबे दी पॉलिटिक्स च ये नहीं सुनिया होना। BOI ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਚੀਫਸ
मतलब एवरीथिंग अंडर द सन व्हाट द गवर्नमेंट कुड डू दे डिड, मगर मैं आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटीज कि जे मैं उन्हें अफसर साहबाना दा जेड़े डीजीपी तो लैके थले कॉन्स्टेबल तक हु हैव स्टूड बाय द ट्रूथ, अपन पता ही है मैं किसे डीजीपी साहब का ना लूंगा तो एवं उन्होंने एम्बेरसिंग होगी, मगर थोनू भी पता है मैनू भी पता है कि उन्होंने अपनी डीजीपीशिप छड़ती कि मैं गलत काम नहीं करना। अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया नूं हाई कोर्ट वल्लों जमानत मिलण उत्ते आम आदमी पार्टी पंजाब दे प्रधान भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार ते अकाली दल वल्लों मिल के खेडी जा रही खेड दा हुण पर्दा फाश हो गया। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन तो ही आख रही सी कि चोणां नेड़े आ के बिक्रम मजीठिया उत्ते झूठी कार्रवाई की जाएगी, इसे तहत चन्नी सरकार ने जानबूझ के कमजोर केस बनाया जिसके चलदे हाई कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया नूं जमानत दे दिती। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार वल्लों ये ड्रामा पंजाब दे लोकां दीआं अखां विच धूड़ पाउण लई कीता गया। इसे तरह का ड्रामा पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वडिंग वल्लों कीता गया। पहलां तां उन्हां वल्लों बादलां दीआं बसां फड़ियां गईआं अते हाई कोर्ट दे हुक्मां तों बाद उन्हां नूं छड्ड भी दिता गया। चन्नी सरकार जिहड़ी है तो उहनूं मौका देगी कि तू बेल लै ला, एंटीसिपेटरी बेल लै ला। यह पहली बार होया इंडिया के इतिहास च कि एंटीसपेटरी बेल जिहड़ी है वो कैंसल होगी। मानयोग मोहाली की अदालत ने राहत नहीं दी, फिर भी बंदे नूं 20-22 दिन ना गिरफ्तार किया गया, ना कि कोई सर्च वास्ते छापे मारे गए, क्योंकि उन्हें 20-22 दिन देने पैने सीगे। गल होई सी इन्हां दी कि मैनू हाई कोर्ट दे विच पा लैण दो एंटीसपेटरी बेल वास्ते अर्जी, जिस दिन मेरी अंतरिम जमानत होगी उस तो बाद फिर मैं सामने आ जाऊँगा। बिल्कुल उही होया, असीं बार बार कहिंदे रहे क्योंकि बिक्रमजीत मजीठिया कोल चन्नी साहब गए सी अपने भरा नूं बचाउण लई, क्योंकि उन्हां दा नाम सिटी सेंटर घोटाला लुधियाने दे विच नाम सीगा। इह गल बिक्रमजीत मजीठिया जी ने बोली भी होई है उत्थे विधानसभा च ऑन रिकॉर्ड है कि उदों तुसीं मेरे चक्कर कढ़दे हुंदे सी। सो उन्हां ने जिहड़ा एहसान कीता चरणजीत चन्नी जी ते कि उन्होंने भरा नूं बचाया सिटी सेंटर वाले घोटाले चों, तां फिर उहदा करजा उहदा न्यौंदा जिहड़ा उह वापस मोड़िया चरणजीत चन्नी ने बिक्रमजीत मजीठिए नूं झूठी मूठी एक परचा पा के, उस तो बाद उहनूं एंटीसपेटरी बेल दवाउण दा मौका दे के। उन्हां नाल ही कहा कि जे किसी गरीब बंदे कोलों कोई छोटा मोटा नशा फड़िया जावे तो उसनू 10-12 साल की सज़ा सुना दिती जांदी है, परंतु मजीठिया उत्ते NDPS एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया सी अते उन्हां जमानत मिल गई है। इस मौके भगवंत मान ने लुधियाना वैस्ट तो 4 कौंसल रहे गुरप्रीत गोगी नू आम आदमी पार्टी भी शामिल किया अते उन्हां दा पार्टी भी स्वागत किया। इस मौके बोलदिया गोगी ने भारत भूषण उत्ते जम के निशाना साधिया। केजरीवाल साहब का और मान साहब का तो सारी टीम का आम दी टीम का सारे का मैं इतने धन्यवाद करदा कि जिन्होंने मैं माण बख्शिया। और ये देखो हमेशा पार्टियां च विचारां दी लड़ाई होंदी है, असूलों की लड़ाई होंदी है, असी असूलों के गुलाम हाँ, असी असूलों से चलने वाले इंसान हैं। इस करके जिस तरीके लुधियाने दे विच अज दी डेट च इको मंत्री ने जिदे करके लुधियाने की कांग्रेस खत्म हुई है। चोण कमिशन ने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी नूं हाकी अते बाल चोण निशान अलाट कर दिता है। इस संबंधी जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके दिती अते उन्हां नाल ही कहा कि बस हुण गोल करना बाकी है। उधर कांग्रसी विधायक अते कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने
कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिले चोण निशान हाकी अते बाल संबंधी तंज कसदिआं कहा कि हाकी दे नवें खिडारी कैप्टन अमरिंदर सिंह लई गोल करना औखा काम है। जलंधर कैंट तों विधायक प्रगट सिंह भारतीय पुरश हाकी टीम दे साबका कप्तान ने। उन्हां दी अगवाई विच भारतीय हाकी टीम ने 1992 च बारसीलोना ओलंपिक अते 1996 च अटलांटा ओलंपिक च हिस्सा लिया सी। इसे लई साबका हाकी कप्तान प्रगट सिंह पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी नूं मिले चोण निशान उत्ते कमेंट करन तों ना रह सके। ध्यान रहे प्रगट सिंह दी कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल पुराणी जंग छिड़ी हुई है। जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दे मुख मंत्री सन उदों भी प्रगट सिंह उन्हां उत्ते हमले करदे रहिंदे सन। प्रगट सिंह नूं पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दा भी बेहद करीबी मन्निया जांदा है। जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अहुदे तों हटाउण लई कांग्रेस विच बगावत होई सी तां उस विच भी प्रगट सिंह शामिल सन। उन्होंने खुल के कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ सियासी मोर्चा खोलिया होया सी, जिस दे इनाम वजों चन्नी मंत्री मंडल विच उन्हां नूं कैबिनेट मंत्री बनाया गया अते उन्हां दी इच्छा अनुसार खेड विभाग भी दिता गया। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने अज चंडीगढ़ च एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस उन्होंने चोण मनोरथ पत्र तो पहला अपना पंजाब मॉडल लोगों नाल सांझा किया। सिद्धू ने कहा कि हर कोई कहता है कि पंजाब का खजाना खाली है, परंतु इस संबंध में कोई रोडमैप नहीं दसदा अते ना ही पंजाब नूं मुड़ खड़ा होने का तरीका दस रहा है। उन्होंने कहा कि सब तो पहला खजाने की चोरी नूं रोक के 50,000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। सिद्धू ने कहा कि शराब कारपोरेशन GST तो बाहर रखा गया है, जबकि इस उत्ते बैट लगाने वाले ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब का खजाना खाली है, पर कोई रोडमैप नहीं दसदा कि किस तरीके दे नाल पंजाब फाइनैंशियली साउंड हो सकता, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता, खुद मुख्तियार हो सकता है। और सबसे इज द माफिया मॉडल रन बाय दोज हु प्रोपगेटेड एंड आर हैंड इन ग्लव्स। पंजाब मॉडल आम लोगों का मॉडल, कांग्रेस का मॉडल, कांग्रेस के वर्कर का मॉडल विल क्रिएट नंबर वन अ लिकर कॉरपोरेशन, the Punjab State Liquor Corporation, number 2 Sand Mining Corporation, these are state resources, number 3 we will have a regulatory commission Punjab State Cable Regulatory Commission, transport corporation to be promoted, policies changed, for additional sources of income, regulation of total outdoor advertisement, जड़ी लिकर कॉरपोरेशन है, मैं पहली तो आना जड़े जड़े स्टेटा ने वैट लाई है, और क्योंकि लिकर इज आउटसाइड द GST एम्बिट, जड़े जड़े स्टेटा ने वैट लाई है वो डबल ट्रिपल उस तो भी ज्यादा पैसे कमा रहे। अ शाइनिंग एग्जाम्पल इज तमिलनाडु विच इज अर्निंग अराउंड 37,000 करोड़, पंजाब नालों आधी खपत है पंजाब से उसकी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में शराब तो 37,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है, जबकि तमिलनाडु च शराब की खपत पंजाब नालों अधी है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब मॉडल राही पंजाब च हो रही शराब की गैर कानूनी बिक्री नूं बंद कर दिता जाएगा और शराब के सरकारी ठेके खोले जाएंगे। इस तरह उन्होंने माइनिंग उत्ते बोलदिआं कहा कि 14 जिलों 102 माइनिंग साइट सन, सरकार खुद रेते की माइनिंग करके उसनों बेच रही है। पंजाब मॉडल तहत असी तेलंगाना मॉडल उत्ते काम करांगे, जिस नाल सानू 3,000 करोड़ रुपए की आम होगी। सिद्धू ने अगे बोलदिया कहा कि पंजाब मॉडल के तहत 400 रुपए की केवल 200 रुपए बिच दिती जाएगी, जिस नाल 3 से 5,000 करोड़ रुपए का रेवन्यू हासिल होगा। ट्रांसपोर्ट माफिया उत्ते बोलदिया सिद्धू ने कहा कि बसा बंद करने कुछ नहीं होगा, तो पालसी बगैर ट्रांसपोर्ट माफिया काबू नहीं किया जा सकता। डेरा सच्चा सौदा पंजाब अंदर एक होर नवे विवाद विच घिर गया।
लंघी 9 जनवरी बठिंडा स्थित डेरा सलाबतपुरा च बिना आग्या तो डेरा प्रबंधकों वालों एक वड्डा इकट्ठ किया गया जिस विच कोरोना नियमों दी धज्जियां भी उड़ाईयां गईयां। इत्थे लखां दी गिणती विच इकट्ठी हुई संगत वालों जनतक दूरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया जबकि मास्क भी बहुत थोड़े लोगों ने पाया होया सी। इत्थे हुए समागम दी तस्वीर सामने आने तो बाद चोन कमीशन वालों डेरे नूं नोटिस भेजा गया जिस च प्रबंधा तो जवाब मंगया गया। डेरे दे इस समागम च कई राजनीतिक आगू भी बैठे हुए नजर आए जबकि चर्चा ए भी है कि चोणां तो पहला डेरे वालों कीता एह एक शक्ति प्रदर्शन है जिस विच भाजपा आगू हरजीत गरेवाल, सुरजीत जियाणी, कांग्रेसी आगू विजय इंद्र सिंगला, साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, आप आगू जगरूप गिल भी पहुंचे हुए सन। बठिंडा जिले दे चोन अफसर डीसी अरविंद पाल सिंह संधू ने कहा कि भीड़ इकट्ठी करन दे लई कोई परमिशन नहीं लिती गई सी। तस्वीरां सामने आउण तो बाद रामपुरा फूल दे रिटर्निंग अफसर तो रिपोर्ट मंगी गई है अते रिपोर्ट आउण तो बाद ही चोन कमीशन वालों अगली कारवाई कीती जावेगी। जबकि डेरा सलाबतपुर दे प्रबंधक हरचरण सिंह ने कहा कि यह कोई चोन प्रोग्राम नहीं सी बल्कि हर साल मनाया जाण वाला भंडारा सी जिस संबंधित दयालपुरा पुलिस थाने नूं सूचना दित्ती गई सी। इस तों इलावा इत्थे पहुंचे लोकां ने मास्क पहने हुए सन अते सैनिटाइज करन दा भी पूरा प्रबंध कीता गया सी। यूपी विधानसभा चोणां तों पहलां भाजपा नूं वड्डा झटका लग्गा। भाजपा दी योगी आदित्यनाथ सरकार च मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट चों अस्तीफा दे दित्ता है अते इस तों कुछ ही देर बाद ओह समाजवादी पार्टी विच शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य दे समर्थन विच भाजपा दे 3 होर विधायकां ने भी अस्तीफे दे दित्ते हन। इस दौरान चर्चा यह भी चल रही है कि 4 होर विधायक भाजपा का साथ छड़ के समाजवादी पार्टी च जा सकते हैं। यूपी विधानसभा चोणां तों पहला भाजपा लई यह वड्डा झटका मनिया जा रहा है। इस दौरान मौर्या ने दलितां, पछड़े वर्गां, किसानां अते बेरोजगारां दी हो रही अनदेखी नूं अपने अस्तीफे का कारण दस्सिया। स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि भाजपा के दर्जन के करीब होर विधायक अस्तीफे दे सकते हैं। 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा। मैं अंबेडकर विचारधारा का हूँ और अंबेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा वो पीड़ा मेरी है। और पराजित होने दो, ये दर्जनों विधायक आएंगे, अभी दर्जनों देंगे, आप देखते रहिए, देखते रहिए। अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। इस दौरान समाजवादी दे प्रधान अते साबका मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य दी तस्वीर भी शेयर कीती है। अखिलेश ने सोशल मीडिया ते लिखिया कि समाजिक न्याय दी लड़ाई लड़न वाले आगू स्वामी प्रसाद मौर्य अते उन्हां दे नाल आउण वाले होर आगुआं अते समर्थकां दा समाजवादी पार्टी विच स्वागत है। जिक्रयोग है कि मौर्य बसपा दे रस्ते भाजपा विच हुंदे होए समाजवादी पार्टी विच पहुंचे हन। एक बार फिर तो रुक करदे आं अज दीआं ताज़ा तरीन खबरां ते। जत्थेदार टोड़ा दा दोता भाजपा च शामिल, अरविंद खन्ना ते गुरदीप सिंह गोशा भी गए भाजपा च। जमानत तो बाद मजिठिया ने चंडीगढ़ च कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे खिलाफ कार्रवाई लई 4 DGP बदले। नवजोत सिद्धू ने पंजाब मॉडल कीता पेश, कहा ए मेरा भविख समझौता नहीं करांगा। योगी दा मंत्री स्वामी समाजवादी पार्टी च शामिल, स्वामी मौर्या दे समर्थन च 3 होर भाजपा विधायकां दा अस्तीफा। फिलहाल अज दे बुलेटिन दे लई इन्ना ही, होर नवी खबरां दे लई देखदे रहो प्रवासी टीवी। धन्यवाद।